चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में। हमने बेसिक पढ़े थे पोटेंशियल के बारे में, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताया था मैंने। तो कुछ फॉर्मूले एक बार रिकैप करते हैं और दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर थ्योरी करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखिए ध्यान से। मैंने बोला था कि जो वर्क एक्सटर्नल होता है इन्फिनिटी से लेकर पी तक आने में, चलिए बड़ा, ये कितना होता था बताइए। वर्क एक्सटर्नल जो होता था, ये काम कीजिए, ऐसे कर लीजिए ना। चलिए, क्या होता था बताइए। इसका फॉर्मूला आता था बेटा मेरा, क्या आता था बताइए। ये आता था क्यू वी पी आता था। ठीक है, फिर यही वर्क हम निकालते थे इलेक्ट्रिक द्वारा, ये भी इन्फिनिटी से पी निकालते थे। ये कितना होता था, ये होता था आपका माइनस का क्यू वी पी पोटेंशियल एट पी। एक और होता था फॉर्मूला डब्ल्यू, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक पी से इन्फिनिटी, अगर पी से इन्फिनिटी जाएंगे तो हो जाएगा ये पॉजिटिव क्यू वी पी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन्फिनिटी से पी आ रहा हूँ, ध्यान से सुने मेरी बात को, ये पी है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यहाँ सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक, यहाँ निकालना है पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ चार्ज रख दूँ, ये इन्फिनिटी है, अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊँगा, इस डायरेक्शन में, तो मुझे काम करना पड़ेगा कितना, एक्सटर्नल द्वारा करना पड़ेगा क्यू वी पी। ठीक है बेटा, क्यू वी पी, और वही इक्वल होता है इलेक्ट्रिक द्वारा, ये लिख दूँ या माइनस का क्यू वी पी लिख दूँ तो ये इलेक्ट्रिक हो जाता है बेटा, है ना, बताया था मैंने आपको। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हम पी से इन्फिनिटी जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी कि सुनो, जब भी मैं डायरेक्शन किधर की लूँगा, जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड हो उधर ही कोई चार्ज चला दूँ तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही को है और चार्ज को भी इधर लेकर जाऊँ तो वो जो होगा वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसका एक दो न्यूमेरिकल समझो तब समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा, एक और बताया था मैंने आपको फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मैंने बताया था बेटा के क्यू अपॉन आर, यानी या वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तीन चार फॉर्मूले से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। मैं इसका रब करके अब क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कराता हूँ आपको। ठीक है, देखें जरा ध्यान से, ये मैं पिछली लास्ट क्लास में सब डिस्कस कर चुका हूँ, उससे आगे चल रहा हूँ मैं बेटा, ध्यान से सुने। देखिए, पहले मैंने क्वेश्चन क्या सोचा कि मैंने बोला कि फाइंड द वर्क करना है, मेरे पास एक आई डायरेक्शन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, आई डायरेक्शन में मैंने मान लिया टेन आई कैप दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और इसमें मैंने एक चार्ज को मूव कराना है, टू मूव अ चार्ज, चार्ज बेटा मैंने मान लिया चार्ज को मूव कराना है, कितना करा ले, मान लिया मैंने ऐसा कुछ करो, वन माइक्रो कूलम करा दिया, टू माइक्रो कूलम करा दिया, मैंने मान लिया वन माइक्रो कूलम करा दिया। ठीक है, और कहाँ से कहाँ कराया, फ्रॉम पॉइंट दे दिए मैंने आपको बेटा, एक पी दिया है वन से टू, वन से टू, टू क्यू पर ले गया, वो ले लिया मैंने सपोज करो थ्री टू फोर, ले लिया थ्री टू फोर। ठीक है बेटा, तो निकालना क्या है, फाइंड वर्क डन डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। अब देखिए कैसे निकालेंगे एक्सटर्नल सोर्स से। पहले बेटा क्या करें, हम पहले इसका एक डायग्राम समझ लें छोटा सा, एक बात सुनिए, अगर मैं इसको विजुलाइज करूं डायग्राम को तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये वन ये टू मान लिया, ठीक है वन टू, ये वन टू थ्री और फोर मान लिया, तो ये कह रहा है पहला पॉइंट वन से टू जाना है, एक्स पर वन, एक्स पर वन वाई पर टू, ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, पी हो गया, फिर थ्री
एक्स पर थ्री वाई बाई फोर, वन टू थ्री फोर ये होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है बेटा। देखिए बेटा इसका मतलब ये हुआ, ये दो पॉइंट होगा मेरे, है ना। तो ये मैं ये वेक्टर अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ यहाँ से और इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, ये ज्वाइन ऐसे कर दूँ, ये ज्वाइन ऐसे कर दूँ, मेरी बात को ध्यान से सुने आपने, ठीक है ना बेटा। तो याद कर लो बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीस्ट पाथ होता है। तो ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो इसमें ये इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर पोटेंशियल जितना होगा, इस वाली लाइन पर पोटेंशियल जो होगा, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो होगा बेटा पोटेंशियल पूरे, चाहे यहाँ देखूँ चाहे यहाँ देखूँ चाहे यहाँ देखूँ, ये यूनिफॉर्म फील्ड आ रहा है ना बेटा, सब जगह वोल्टेज बराबर होंगे, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात। अरे भाई मान लो ये लाइट चल रही है यहाँ से, यहाँ तीन बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तीन बच्चे पढ़ रहे हैं, जितनी लाइट इसे मिलेगी उतनी इसे मिलेगी उतनी इसे मिलेगी, है ना, इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा इसको, फिलहाल आपने क्या किया, ये आ जाएगा टू, कैसे आ जाएगा देखिए, आर वेक्टर हो जाएगा फोर थ्री माइनस वन का टू आई कैप प्लस फोर माइनस टू टू जी कैप, ठीक है। तो आई पर चलेगा यानी कि टू तो ये हो जाएगा बेटा और जी हो जाएगा टू, ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं आया। अच्छा जी अब देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में है, डायरेक्शन आई कैप है ना, और लेके भी कहाँ जाना, पी से क्यू लेकर जाना, पी से मैं क्यू यहाँ ले जाऊँ या यहाँ ले जाऊँ बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करती है बेटा, है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करती है चार्ज का चलना। यहाँ पर ये बेसिकली जो वर्क होते हैं यहाँ पर वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं और वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट ये ले लिया मैंने। अब देखिए कैसे करेंगे, इधर ही को तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और पी से क्यू डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही को है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा वर्क, मेरे तीन फॉर्मूले पीछे लिख पाए थे, ध्यान से सुनना क्या करूंगा, एक्सटर्नल ठीक है बेटा इज इक्वल टू, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी आर, जितना क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क मैंने बताया था कि अगर मैं पीछे मैंने फॉर्मूला दिया था इन्फिनिटी से पी पर जाऊं या पी से इन्फिनिटी पर जाऊं तो ये दोनों बराबर होते थे, पीछे फॉर्मूला देख सकते हैं आप। तो जाएगा बेटा याद कर लो, जो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे डिस्प्लेसमेंट भी ई भी, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा क्यू ई, और क्यू कितना दिया है मैंने, एफ क्या होता है क्यू ई होता है, और क्यू कितना दिया है इसे मैंने वन वन इंटू टेन टू माइनस सिक्स, ठीक है, ये हो गया बेटा आई कैप है ये भी आई कैप है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्यू तो ये होगा ई हो जाएगा इसमें बेटा टेन आई कैप डॉट टू आई प्लस का टू जे कैप, है ना, बोले बेटा, और ये डी आर हो जाएगा। बल्कि एक काम करो इसे हटा दो, सीधे से डिस्प्लेसमेंट ले लो क्यू ई डी आर, डी आर तो ये आएगा, क्यू कितना है ये हो जाएगा बेटा क्यू हो जाएगा मेरा टेन टू आई माइनस सिक्स, ई कितना दिया हुआ है टेन, ई की डायरेक्शन में दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस तो जीरो हो जाएगा इसमें, डॉट अगर लेते हैं तब, है ना, तो अब डी आर कितना है टू है, कितना जाएगा ट्वेंटी इंटू टेन टू आई माइनस सिक्स जूल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना एक्सटर्नल को वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल को वर्क इधर से इधर करना पड़ रहा है ना, तो ये वर्क तो इलेक्ट्रिक के बराबर ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है वर्क, तो ये वर्क वही होगा, यानी कि एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक बराबर हो जा रहा है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, मैंने रफ कर दिया इसको, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लिया दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ मैडम, मैंने ये माना कि अगर मुझे एक सपोज करो फोर्स निकालना पड़ जाए, मुझे क्या निकालना पड़ जाए फोर्स, तो अगर मैंने मान लिया फोर्स निकालने का मतलब कह रहे हैं, जैसे मान लो मैंने फोर्स दे दिया एक्स प्लस टू वाई आई कैप प्लस
एक्स जे कैप, मैंने एक फोर्स दे दिया, ठीक है बेटा, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, चलो बात एक ही है, चार्ज ले लेंगे बाद में। और क्यू दिया है 1 माइक्रोकूलम, कितना दिया बेटा 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्क एक्सटर्नल सोर्स कितना करेगा, यहाँ से मैंने मान लिया ओ से पी तक गया, पी से क्यू तक गया, पी से ये गया क्यू तक, क्यू से फिर ओ तक आ गया, ठीक है बेटा। ये मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए इसके 2,2, और इसके मैंने मान लिए 2x/2y/4, ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए इसके। अब मुझे निकालना है वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ओ टू पी। ओ टू पी कितना वर्क किया वो देखना है हमें, जो कैसे करेंगे वर्क निकालने के लिए। हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, ओ से पी देखिए जरा ध्यान से, ओ से पी तो ये, अब बेसिकली क्या होता है कि ओ से पी निकालना है, ओ से पी चलेंगे, ओ से पी तो इधर ही को, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं फिर वो लगा दूंगा डब्ल्यू एक्सटर्नल, क्या हो जाएगा बेटा, देखिए आई की डायरेक्शन भी देरी को होगी, आई है ना इसके अंदर, आई ऐसे होगी, और मोशन भी देरी को तो पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा बेटा क्या, डब्ल्यू हो जाएगा एक्सटर्नल, जो हो जाएगा डब्ल्यू जो इलेक्ट्रिक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मैंने पीछे फॉर्म लिखवाया, देखेंगे समझना पड़ेगा बेटा, इजिकल टू हो जाएगा डब्ल्यू एफ डॉट डी आर, एफ हो जाएगा क्यू ई के, क्यू कितना है 1 × 10⁻⁶, ई ई लगा देंगे x+2y आई कैप 2x j कैप डॉट डी आर, डी आर किस डायरेक्शन में चलना है, ऊपर डायरेक्शन में, ये x होती है ना बेटा, तो इसे बोलते हैं आई डी एक्स, डी एक्स यहाँ तो चेंज ऐसे होगा डी एक्स में, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे देखें आप, सर ये हो जाएगा बेटा 1 × 10⁻⁶, आई डॉट आई वन हो जाता है, आई डॉट आई वन हो जाएगा, आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा बेटा, आपने 11 में पढ़ा होगा ये, आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा मेरा एक्स प्लस का 2y × dx, समझ में आया कि नहीं आया भाई, क्या हो जाएगा बेटा x+2y × dx, यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करूँगा देखें आप, जरा अगर मैं बोलूँ इसका इंटीग्रल कर लूँ और इसका कर लूँ y का इंटीग्रल, तो देखिए आप ज़रा कैसे करेंगे इसके इंटीग्रल को, ये हो जाएगा बेटा 10⁻⁶, ठीक है 10⁻⁶, आई डॉट आई बंद कर दिया मैंने, आई डॉट आई बंद कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, ये x का तो हो जाएगा इंटीग्रल, ये इंटीग्रल कर रहे हैं ना बेटा, इसके क्या करना है, इंटीग्रल करना होता है बेटा, x²/2 + 2y, y कितना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर y कितना है, जीरो है, × dx, ये जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 2 × 4, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶, जो ये कॉपी कर लें आप, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, शायद आ नहीं रहा है, अब आएगा, ठीक है बेटा ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा देखें आप क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखें, सपोज करो मुझे एक न्यूमेरिकल दिया गया कि अगर मुझे पता है कि हमने 11 में पढ़ा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है बेटा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम कैसे निकालेंगे। सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला बेटा, हमने पढ़ा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने मान लो आपको एक ऐसी रॉड दे दी, ठीक है,
अब इस पर मैंने पूरे पे पर चार्ज दे दिया, ठीक है। यहां से एक पॉइंट पी दे दिया, जहां पर जो मैंने मान लिया कुछ डिस्टेंस, मान लो इसे मान लो एक्स मान लो, चलो ये बल्कि ए मान लो, इसे क्या मान लो, ए मान लो, है ना बेटा, इसे मान लो एक्स, लेंथ को एक्स मान लो, लेंथ को एक्स मान लो, पूरी एक्स लेंथ की थी। ए डिस्टेंस पर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना पोटेंशियल, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है एट पी। कहता है फाइंड, ध्यान लिख देना बेटा, मैं फाइंड पोटेंशियल एट पी। अब देखो कैसे निकालेंगे बेटा, एक चीज समझ लो, हमें केवल फॉर्मूला जो दिया गया है पॉइंट चार्ज का दिया गया है, और ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये तो कंटिन्यूस चार्ज बॉडी जब हमने पढ़ी थी इलेवेंथ में, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, है ना बेटा। तो इसमें भी हम इसे पॉइंट चार्ज बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, अगर बहुत बड़ी रॉड दी हो तो आप बहुत सिंपल सा तरीका लें, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट काट लें, क्या काट लें, एलिमेंट, याद कर लें आप, एक एलिमेंट काट लिया जिसकी विड्थ बनने वाली डी एक्स है, सिंपल सी बात है ना बेटा, क्या मान ली, इसे बल्कि एल मान लो, क्या मान लो एल, ठीक है, ये एल मान ली, इसमें मैंने डी एक्स काट ली, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एक्स ले ली मैंने, आप क्या ले ली, एक्स, ठीक है बेटा, क्या ले ली, एक्स, एक मिनट, दिख रहा है, दिखेगा हमेशा, अब दिखेगा, देखिए बेटा, ठीक है। अब मुझे निकालना है फाइंड द पोटेंशियल एट पी, निकालना है, कहाँ निकालना है, पी निकालना है, तो देखिए कैसे निकालूंगा, सुने यहाँ पर, इस वाले केस में क्या होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, वो हमें पता है, जितनी भी कंटिन्यूस बॉडी होती है लीनियर बॉडी है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। मैंने मान लिया इस पर चार्ज स्प्रेड है क्यू, क्या मान लिया, क्यू, क्या चार्ज है बेटा, क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज मान लिया मैंने। अब क्यू चार्ज मानने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि जो लैम्डा होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, होता है कि नहीं होता बताइए, ठीक है। अच्छा जी, ये टोटल चार्ज है इस लेंथ में स्प्रेड है, इसकी लैम्डा इतनी होगी, अच्छा ये हमें पता चल गया, एक चीज़ तो हमें चल गई पता। अब सुने आप जरा, ये इस पर जो चार्ज होगा ना, इस पर, इस वाले पॉइंट पर जो चार्ज होगा बहुत स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो इस पर चार्ज कैसे निकालूंगा, मैंने बोला कि लैम्डा होता है चार्ज, इस पर मैंने मान लिया डी क्यू चार्ज है, ठीक है, डी क्यू, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ हो जाएगा डी एक्स, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब ये वाला जो एलिमेंट है इसके लिए एज ए पॉइंट चार्ज काम कर सकता है, ये वाला, ये नहीं कर सकती पूरी रॉड, ऐसे केस को हम इस एलिमेंट से निकालते हैं, तो डी क्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा डी एक्स आ जाएगा, लैम्डा डी एक्स आ गया, अच्छा जी बिल्कुल सही बात है, लैम्डा डी एक्स आ गया। अब मुझे निकालना क्या, इससे इस पर, यानी कि डी एक्स से लिख सकता हूँ पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डी एक्स, ड्यू टू डी एक्स एलिमेंट, ठीक है, डी एक्स एलिमेंट निकाल लूँ एज ए पॉइंट चार्ज मानना है, तो ये जाएगा डी वी के क्यू होता है ना, अभी मैंने बताया था पीछे फॉर्मूला कराया था, तो डी क्यू लिख देंगे, अपन आर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स दूरी पर है यहाँ से ही एक्स दूरी पर है, तो जाएगा बेटा के डी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है क्या है बेटा, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स, ये डी बी चल रहा है, मैंने क्या करा डी बी को फिर और थोड़ा चेंज करा, के लैम्डा होता है क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल ये निकाला था मैंने पूरा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब मैंने इसका इंटीग्रल कर दिया, अब इंटीग्रल देखिए कहाँ से कहाँ होगा, इसका इंटीग्रल बेटे कहाँ से कहाँ होगा ये देखने का है। देखिए इसको करने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल निकालना है इस रॉड से, तो कैसे निकालेंगे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो है मेरी क्या एल प्लस ए, और ये कितनी है ए है, ये कितनी है ए है, तो बोल सकता हूँ कि ए से ए प्लस एल तक कर दूँ, कहाँ से कर दूँ, ए से ए प्लस एल तक इसका इंटीग्रल कर दूँ। देखो ये तो, देखो ये तो है ए प्लस एल, पूरी लेंथ कितनी है ए प्लस एल है ये वाली, ये कितनी ए है, अगर ए प्लस एल में से, ए प्लस एल में से ठीक है एल घटा दूं तो ये डिस्टेंस तो आ जाएगी, तो हमने क्या करना है इसका सीधा सीधा इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल कैसे करेंगे देखें आप, ये करेंगे ए से लेके ए प्लस एल, ए से लेकर ए प्लस एल तक इंटीग्रल कर देंगे,
ठीक है बेटा, ए से, या मैं ऐसे कर सकता था कि यहां से ले सकता था मैं इसको ए प्लस एल से ए तक, लेकिन हमने हमेशा छोटे से बड़ा करते हैं, तो ये छोटी चीज़ है ये बड़ी है, तो मैंने लोअर अपर लिमिट कर दी, बल्कि इसे अलग कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपको? मैं और एक नया स्टेप ले लेता हूँ। इंटीग्रल जो होगा बेटा वी, ये हो जाएगा के क्यू बाई एल, कहाँ से करना है बेटा? ये करना है पी, है ना, पी पर निकालना है ना। तो देखिए आप, हम बोल सकते हैं कि पी पर निकालने के लिए ये कर सकते हैं, ए से स्टार्ट किया, ए से ए प्लस एल तक, ए से ए प्लस एल तक क्या कर दें, डी एक्स अपॉन एक्स कर दें, क्या आएगा वी के क्यू बाई एल लॉग एक्स ए प्लस एल, कर लो थोड़ा सा, वी हो जाएगा के क्यू अपॉन एल या लॉग एक्स ए टू ए प्लस एल। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, वी इज इक्वल टू जाएगा के क्यू अपॉन एल लॉग ए प्लस एल माइनस का लॉग ए, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा लॉग ए, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला आंसर निकल के आ गया, इतना वोल्टेज होगा इसका, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। कल मान लो मैंने बोला, एक क्वेश्चन दिया मैंने, सपोज करो मुझे एक रिंग दिया है, मैंने क्वेश्चन बोला फाइंड द पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड चार्ज, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस। हमें क्या करना है, हमें मान लो निकालना है कि कितना काम हमारा, कितना पोटेंशियल बनेगा, ठीक है बेटा, कितना पोटेंशियल बनेगा रिंग से। देखिए कैसे निकालेंगे रिंग से पोटेंशियल, देखिए अब जरा ध्यान से। तो बात कर रहे हैं, पहले एक्सिस ले लो या सेंटर ले लो, चार्ज एट चार्ज एट अ पॉइंट ऑन सेंटर डाल लो, ऑन सेंटर, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, ठीक है बेटा, यहाँ निकालना है ना, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। मुझे निकालना क्या है कि मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ चार्ज है, सपोज करो यहाँ चार्ज भरा हुआ है, तो सेंटर पर कितना पोटेंशियल देगा ये निकालना है हमें, एट द सेंटर, ठीक है, पॉइंट ऑन द सेंटर, यहाँ पे निकालना है सेंटर पे। अब यहाँ क्या करें, फिर वही वाली बात है, ये भी कंटिन्यूस बॉडी, कैसी बॉडी है, कंटिन्यूस। एक छोटा सा एलिमेंट काट लो डी क्यू, क्या काटेंगे, हर जगह जितनी भी कंटिन्यूस बॉडी होंगी वहाँ पर आपको एक छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ेगा। अब एलिमेंट काटने के बाद फिर देखिए क्या होता है। अब मैं बोल सकता हूँ बेटा, एलिमेंट ये काट लिया तो मैं ये सोचूं कि यहाँ निकालने के लिए इससे सेंटर पर डिस्टेंस मान लो कुछ, मैंने मान ली सपोज करो आर है, क्या है आर है, ठीक है। इससे इस पर पोटेंशियल क्या आएगा, स्मॉल फील्ड आएगा, क्या आएगा, के डी क्यू अपॉन आर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अब ये डी क्यू तो इसमें इन्फिनाइट होंगे, एक तो जैसे कितने इन्फिनाइट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे 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 मैं सबको ऐड करूँ, लेकिन ऐड करने के बाद ये तो तय है कि इस पर जो टोटल चार्ज क्यू होगा, इस सब जितने एलिमेंट ऐड करूंगा तो सारा टोटल चार्ज तो क्यू ही आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रल कर दूंगा। तो जाएगा वी के अपॉन आर इंटीग्रेशन डी क्यू, ठीक है बेटा। डी क्यू कहाँ से हो जाएगा, जीरो से लेके, जीरो से लेके टू पाई आर तक, मतलब ये जो रिंग है इसका, तो ये टोटल होगा कितना चार्ज, ये टोटल जो चार्ज होगा
वो होगा तो क्यू के बराबर, तो जाएगा के क्यू आई आर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, यानी कि रिंग देखिए पॉइंट चार्ज से भी, पॉइंट चार्ज होता मान लो क्यू यहाँ पर, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आता, के क्यू बाई आर, और यहाँ पर रिंग है, रिंग है तब भी इतना आया। तो याद कर लो रिंग का जो पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है सेंटर पर जितना कि एक पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस करता है, जितना एक पॉइंट चार्ज।